हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फैन, जिसको मतलब अब गर्मी का समय आ गया है तो अच्छे ठंडे हवा के लिए और रिचार्जेबल फ़ैन जो कि ज़रूरी चीज़ है, तो हम आज बनाने वाले हैं बहुत ही शानदार फ़ैन जो कि इस फैन से मिलकर बनेगा। तो हम ले लिए हैं 6 पीस का कूलिंग फ़ैन, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा कंप्यूटर वम्प्यूटर की दुकान से। और इसका मतलब साउंड बहुत कम रहता है, हवा भी बढ़िया देता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 6 पीस है, तो 6 पीस का बनाएंगे, और है रहने को, लेकिन मैं 6 पीस में आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में, देखते हैं इसको कैसे जोड़ना है पहले, उसके बाद इसका वायरिंग देखेंगे। और अगर ये एक वीडियो में नहीं आएगा तो इसको दूसरा वीडियो भी बनेगा, लेकिन अभी देखते हैं। तो इसको पहले ऐसे पलटी कर लेते हैं सबको, और इसको जोड़ना ऐसे है कि सबका वायर एक जगह रहे, कम से कम जोड़ने में आसानी होगी ऐसे करके। पहले दो दो का ग्रुप बना लेते हैं, फिर इसको केबल टाई से बांध देते हैं। यह है केबल टाई, इसमें इसको बांधना है। एक साथ इसको टाइट नहीं करना है, अब ऐसे लटका दिए रहना है। टाइट करेंगे तो इसको और इधर उधर घुमाते घुमाते नहीं बनेगा, उससे अच्छा इसको पहले ऐसे करके घुसा देते हैं। अभी टाइट नहीं करना है। आपके पास अगर केबल टाई नहीं होगा तो आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, ग्लू में भी ये चिपक जाता है। मेरे पास यह है तो मैं इसको लगा रहा हूँ ऐसे करके। इसका बांधना भी एक टेक्निक है, खैर बांधना तो उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन अगर वीडियो बढ़िया से देख लिए रहोगे तो ऐसे बढ़िया बांध सकते हो, नहीं तो कन्फ्यूज़न वाली बात है इसमें भी। यहाँ पर को एक जगह को ही बांधोगे तो चल जाएगा, इस वाली जगह में। पहले सबको लटका देते हैं, उसके बाद टाइट करेंगे। ये पंखा बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा, और लाने ले जाने में अगर कहीं आपका दौरा रहता है तो आप ला ले जा भी सकते हैं। ये किसी भी बैग में आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसका साइज लंबा तो है लेकिन बहुत ही पतला है, स्लिम है। और आवाज़ भी नहीं करता, बहुत कम साउंड करता है। इसको आप 12 वोल्ट के अडाप्टर से भी चला सकते हैं, अगर ये रिचार्जेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, सोलर से भी चला सकते हैं। इसका नॉइज़ बहुत ही कम है, बहुत कम ही साउंड आता है इसमें। ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, छोटे छोटे बेबीज़ के लिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर दें, थोड़ा थोड़ा नहीं, अब टाइट कर सकते हैं इसको ऐसे करके।
ये क्या है, एक बार अगर बंद जाता है तो और ये निकलता नहीं है, केबल टाइप का यही खास है, सीधा इसको काटना पड़ता है। इस तरह से इसके पीछे साइड को भी बांध देना है। आप इसको वायर में भी बांध सकते हैं आप चाहें तो, और ये बाइक की पुरानी निकली हुई चालू कंडीशन में जो बैटरी है तो उसमें भी कर सकते हैं यूज़, ये बिजली कम खाएगा। ये तो एक आदमी के लिए बहुत ही परफेक्ट है रहने को। ये बहुत ही मजबूत हो गया, ये हिल नहीं रहा है, देख लीजिए आप भी। अब इसका करना है कनेक्शन। कनेक्शन करने से पहले इसको हम काट देते हैं एक्स्ट्रा जो निकला है। बहुत सुंदर दिख रहा है देखिए, गर्मी का समय आ रहा है तो आप लोग भी इसको, गर्मी के समय आ रहा है तो आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन लेने का फ़ैन बहुत महंगा है, इसलिए आप सब ऑफलाइन ही इसको परचेस कीजिएगा। अब आता है इसकी कनेक्शन की बारी। तो पैरलर है, सीरीज में इसको नहीं जोड़ना है। इसको पहले कर देते हैं सभी को ऐसे करके, एक साइड जहाँ कनेक्शन करना है वहाँ पे इसको आके ऐसे करके बांध देंगे इसको केबल टाई से। एक केबल टाई लेंगे, इसको बांध देंगे यहाँ से। इसमें मेरे पास बड़ा वाला केबल टाई नहीं है तो मैं इसको छोटा वाला में ही बांध रहा हूँ दो ठोकर के ऐसे करके। अब देखते रहिए वीडियो में, पूरा जुगाड़ वाला काम ज़्यादा चलता है।
ऐसे करके मान लो इसको। अरे यहाँ पे बांध देंगे, आप चाहेंगे तो यहीं से भी कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग काट के, लेकिन मैं यहाँ से करूँगा सीधा क्योंकि करंट अच्छे से जाए। कलर में जुड़ा है मतलब बराबर सबका, काला काला में और लाल लाल में। अब ये ऐसे, इसका और वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो चुका है। मैं आपको इसको चला के दिखा रहा हूँ, आप इसको साउंड से पता लगाइएगा, लेकिन ये नॉइज़ कम करता है, ये बजता बहुत कम है, हवा ही इसका साउंड आएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मस्त हवा आ रही है, तो आप इसको बना सकते हैं घर पे। और इसका और वीडियो मैं बनाऊंगा जो कोई ये कंप्लीट रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए कितना स्लीव है, कहीं भी ला ले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।